बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माईसेल्फ एडवोकेट मियां सादी अबास्तियों का। आज हम बात करेंगे कि किसी शख्स का किसी सरकारी मुलाजम को ऐसी इत्तला या ऐसा नोटिस देने में कोताही करना जो कि वो कानूनी तौर पर उस चीज़ को करने का पाबंद है। तो इस हवाले से हमारे पास मौजूद है दफ़ा 176 पाकिस्तान पेनल कोड, और यही जो दफ़ा है वो सेम इंडियन पेनल कोड में भी है, आईपीसी में भी यही है। और जब हम इस दफ़ा को पढ़ते हैं तो 176 को, तो 176 कहता है ओमिशन टू गिव नोटिस आर इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट, के कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा शख्स जो सरकारी मुलाजम को उसकी हैसियत से कोई डॉक्यूमेंट पेश करने, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देने या उसको कोई ऐसी इत्तला देने का कानूनी तौर पर पाबंद हो, इत्तला देने का, कोई इन्फॉर्मेशन देने का वो या नोटिस देने का कानूनी तौर पर पाबंद हो कानून के मुताबिक, और वो मस्कूरा वक्त पर जो स्पेसिफिक उसे टाइम दिया गया उस वक्त पर वो उस पब्लिक सर्वेंट को, सरकारी मुलाजम को इत्तला नहीं देता या उस पर नोटिस की फरहमी नहीं करता और इसको जानबूझकर नज़रअंदाज कर देता है, तो इस सूरत में उसको जो सज़ा दी जा सकती है वो 1 माह तक की सज़ा है और 1500 रुपया जुर्माना उसे हो सकता है, और या ये दोनों सज़ाएं इकट्ठी हो सकती हैं। और अगर वो मतलूबा जो नोटिस है या इत्तला है वो किसी जुर्म के मुतल्लिक हो, ठीक है, और उस जुर्म को रोकने की गरज से किसी मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी हो, तो देन जो वो फिर इत्तला नहीं देता तो फिर उसको जो सज़ा दी जा सकती है वो 6 माह की सज़ा हो सकती है और 3000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस जो दफ़ा के तहत किसी जगह पर कोई अक्रंस हो जाए, किसी जगह पर आप कोई लाकानूनियत देखें, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई चोरी हुई है तो आप पर ये ड्यूटी है कि आपने 15 पर कॉल करनी है, पुलिस को इत्तला देनी है, और आप नहीं देते तो देन आपके ख़िलाफ़ जो ये एक रेमडी है कि आपके ख़िलाफ़ इस दफ़ा के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और आपको इस दफ़ा के तहत 1 माह तक की सज़ा, और अगर जुर्म के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है तो 6 माह तक की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।